एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा। दोस्तों, हमारी खूबसूरत सी स्माइल हमारे चेहरे की खूबसूरती को चार गुना कर देती है और इस स्माइल को खूबसूरत बनाते हैं हमारे सफ़ेद मोतियों जैसे दांत। जी हाँ, दांत अगर सफ़ेद हैं, चमक रहे हैं, शाइन है उनमें, तो ये आपकी स्माइल के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी को भी निखार देते हैं। लेकिन अगर दांतों में पीलापन है या काली परत जमी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी पर्सनालिटी पर एक धब्बे की तरह से लगते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दांतों पर पीली परत हटाने के लिए, काली परत हटाने के लिए तीन ऐसी बेहतरीन रेमेडीज़ जो बहुत बहुत इफ़ेक्टिव हैं और बिल्कुल घर की चीज़ें यूज़ होंगी इसमें और आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। और इनकी हेल्प से दो मिनट में आप अपने दांतों का पीलापन दूर कर सकते हो, काली परत हटा सकते हो। वेल, बात करें अगर टीथ पॉलिशिंग की, तो लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं और पीली परत हटाने के लिए टीथ पॉलिशिंग कराते हैं। अगर आप बार बार ये कराते हैं तो एक तो पैसा तो खर्च होता ही है, साथ ही साथ आपके दांतों के इनामल पर इसका बुरा असर पड़ता है, बिकॉज केमिकल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। तो नेचुरल तीन तरीके आपको बता रही हूँ जिनकी हेल्प से आप अपने दांतों के पीलेपन को हटा पाएंगे, और वो भी दो मिनट में। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो के नीचे लाइक का थम्सअप का बटन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि उसी से मुझे मिलती है ढेर सारी इंस्पिरेशन आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल, मेरी टीथ पॉलिशिंग की जो फर्स्ट रेमेडी है उसका मेन इंग्रेडिएंट है तुलसी। तुलसी के कुछ पत्ते आपको लेने हैं, उनको सुखा करके पीस लेना है और पाउडर बना लेना है। ये मैंने ऑलरेडी पाउडर बना करके रखा हुआ है। तो तकरीबन एक चम्मच तुलसी के पत्तों का पाउडर आपको लेना है, एक चम्मच ऑरेंज पील पाउडर लेना है, यानी संतरे के छिलकों को सुखा करके उसका पाउडर आप बना लीजिएगा। संतरे के छिलकों से आपके दांत लाइटन होते हैं और तुलसी नेचुरल एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल प्रॉपर्टीज से भरपूर होती है। दोनों ही चीज़ें आपके दांतों की और मसूड़ों की हेल्थ को बेहतर बनाते हैं। एंड जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। एक से डेढ़ चम्मच इसमें नारियल का तेल ऐड कर देंगे, तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये आपका टीथ पॉलिशिंग ट्रीटमेंट बन करके तैयार है। इससे आपने ब्रश करना है अपने दांतों पर तकरीबन दो मिनट के लिए, एक वीक के लिए, यानी एक हफ्ते के लिए रोज़ाना इस टीथ पॉलिशिंग रेमेडी को यूज़ कीजिए, और उसके बाद एक हफ्ते में दो से तीन बार यूज़ कीजिएगा। आपको बेहतरीन नतीजे मिलेंगे, दांतों का पीलापन बहुत ही जल्दी आपका गायब हो जाएगा, दांत एकदम से स्पार्कलिंग क्लीन हो जाएंगे, वाइट हो जाएंगे, मोतियों की तरह से चमकने लगेंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरी रेमेडी की तरफ। दूसरी रेमेडी आपके दांतों को तो क्लीन करेगी ही, साथ ही साथ आपकी सांस की बदबू, मसूड़ों की सूजन, उसको भी दूर करेगी। तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है लौंग। आपको 8 से 10 लौंग लेने हैं। लौंग में दर्द निवारक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, सूजन वगैरह को दूर करता है और ये नेचुरल स्क्रब का भी काम करता है आपके दांतों के लिए। तो 8 से 10 लौंग लेकर के आपने उनको पीस लेना है, पाउडर बना करके रख लेना है। तकरीबन आधा चम्मच पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लौंग का। इसमें आपने मिलाना है आधा चम्मच नीम का पाउडर। नीम, एज यू नो, पुराने ज़माने में नीम का दातुन भी यूज़ किया जाता था। नीम में भी एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, साथ ही साथ बहुत ही अच्छा क्लेंजिंग एजेंट है नीम। तो आधा चम्मच नीम का पाउडर डाल देना है इसमें। नीम के पत्तों को आप छाया में सुखा लीजिएगा और वो सूख जाएं तो उनको मिक्सी में पीस के आप पाउडर बना सकते हो इजीली। तो बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट्स हैं, आई थिंक हर किसी के पास होते हैं ये इंग्रेडिएंट्स। अब इसमें आपको ऐड करना है तकरीबन एक चम्मच सरसों का तेल, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है एंड ये आपका नेचुरल टीथ पॉलिशिंग ट्रीटमेंट बन करके रेडी है। इससे अपने दांतों पर ब्रश की हेल्प से अच्छे से चलाना है दो मिनट के लिए, जैसे आप ब्रश करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है, एंड रिजल्ट्स बेहतरीन आपको मिलेंगे। आपके दांतों का पीलापन दूर होगा, साथ ही साथ अगर आपको दांतों से या मसूड़ों से रिलेटेड कोई तकलीफ है, कीड़ा लगा हुआ है या कैविटी है, या फिर आपके दांतों में मतलब झंझनाहट होती है, तो वो प्रॉब्लम्स भी आपकी इससे दूर होने वाली हैं। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड रेमेडी की तरफ। थर्ड रेमेडी का जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है लहसुन। लहसुन की आपको 3 से 4 कलियां लेनी है और उनको छील लेना है, पील कर लेना है, धो लेना है और उनको क्रश करके उनका एक पेस्ट सा बना लेना है। थोड़ा सा पेस्ट लगेगा, तो ये पेस्ट आपने डाल दिया इसमें। अब इसमें आपको ऐड करना है
थोड़ा सा टूथपेस्ट, जो भी टूथपेस्ट आप यूज़ करते हैं वो इसमें ऐड कर दीजिए, और देन आपको ऐड करना है 1/4 चम्मच नमक। इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और फिर इस मिक्सचर से आपने दांतों पर ब्रश करना है तकरीबन 2 मिनट के लिए, एंड आपकी दांतों की सड़न दूर होगी, मुंह की बदबू इस ट्रीटमेंट से दूर होगी, साथ ही साथ दांत आपके मोतियों की तरह से चमकने लगेंगे। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी रेमेडीज़ हैं ये, घर पर यूज़ कर सकते हो आप। पुराने समय में लोग इन्हीं नेचुरल रेमेडीज़ की हेल्प से अपने दांतों को कीड़े से बचा करके रखते थे, दांतों को हमेशा सफ़ेद बना करके रखते थे, और उनके दांत मजबूत भी होते थे। तो ये सिंपल रेमेडीज़ आप फॉलो कीजिएगा, जो भी रेमेडी के इंग्रेडिएंट्स आपके पास हों उसको आप ज़रूर बना लीजिए, यूज़ कीजिए, और आपको बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। कमेंट्स करके मुझे रिजल्ट्स ज़रूर ज़रूर आपने बताइएगा कि आपको कैसे रिजल्ट मिले हैं। एंड तीनों ही रेमेडीज़ इक्वली वर्क करती हैं आपके पीले दांतों को सफ़ेद बनाने में, साथ ही साथ सांस की बदबू और मसूड़ों की सूजन को दूर करने में। तो तीनों में से कोई भी रेमेडी आप यूज़ कर सकते हो। ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, थम्स अप का बटन नीचे, उसे ज़रूर ज़रूर दबा दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन अभी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। सब्सक्राइब का रेड बटन है नीचे, उसे दबाइएगा, एंड घंटी का बटन आएगा उसे भी आपने दबाना है। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर पर, जहाँ भी आप लोगों से मिलते जुलते हैं। मैं आपसे मिलूंगी एक और अच्छे से हेल्थ टिप या किसी ब्यूटी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।